हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे ट्रेडिशनल जो बड़ी बनता है दोस्तों, जिसे बहुत सारे सब्जियों में हम यूज़ कर सकते हैं, उड़द दाल का जो छिलका वाला उड़द दाल होता है उससे। और ये जो ट्रेडिशनल रेसिपी है मेरी सासू माँ की रेसिपी है, इसे मेरी मम्मी भी बनाती है और अभी मेरी सासू माँ आई हुई थी तो मैं उसी से ही बनवा रही हूँ, क्योंकि उन लोगों जो बनाते हैं ना दोस्तों, बहुत ही रियल रेसिपी होता है। तो चलिए आप लोगों से शेयर कर ही देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये उड़द की दाल है। इस टाइप से जो छिलका वाला जो काली उड़द जो मिलता है वो वाली दाल है। जब भी हम ऐसे छिलका वाला दाल से जब बड़ी बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है दोस्तों, यकीन मानिए इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस दाल को रात को हमने पानी में भिगा दिया था और सवेरे उसका छिलका को निकाल के, ये देखिए दाल को अच्छे से हमने धो लिया है, छिलका पूरा अलग हो गया है और उसके बाद हम इसे ग्राइंड रात को भिगा देती हूँ जब बड़ी बनाना रहता है तो, और सवेरे उसे हम धो के इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कीजिए, या फिर कहीं कहीं पे क्या होता है आटा चक्की भी होता है, मतलब मशीन होता है जो पीस के देता है दाल, वहाँ से भी आप पिसवा कर ला सकते हैं अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे तो, नहीं तो घर के मिक्सर में भी आप पीस सकते हैं। और ये देखिए मैंने सभी को पीस लिया है और ऐसे सबको पीस पीस के एकदम चिकना पीस लीजिए और सभी को एक बड़ा वाला जो बर्तन हो, गंजी वगैरह हो, उसमें निकाल लीजिए। और ये देखिए अब मेरी सासू माँ इसे रही है तो यहाँ पर कसूरी मेथी डाल रहे हैं। मेथी अगर ताज़ा मेथी अगर अवेलेबल है तो ताज़ा मेथी के पत्तियों को बारीक काट कर डाल सकते हैं, और नहीं है तो जो मेथी सूखा वाला जो होता है इसका पत्ता दोस्तों, जिसे हम कसूरी मेथी भी बोलते हैं, उसे आप डाल सकते हैं। और बस और कुछ नहीं डालना है। इसे डालने के बाद इसे अच्छे से फेंटना है, बहुत अच्छे से फेंटना है, इतना फेंटना है कि एकदम हल्का हो जाए, एकदम स्पंजी हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों इसे ऐसे फेंट रहे हैं और चेक भी करके आपको दिखाएंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये जो है अच्छे से फिट आ गए हैं। इसके लिए एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और ये देखिए अभी अम्मा जो है इसे फेंट रही है। अभी इसे यहाँ पर एक बर्तन में पानी में से डालकर देखते हैं। देखिए अभी ये डूब गया, मतलब नीचे डूब गया, नीचे बैठ गया, मतलब ये फिटाया अच्छे से नहीं, हमें और इसे अच्छे फेंटना है। तो इसे और अच्छे से ऐसे फेंटते जाना है जिससे कि इसमें अच्छे से एयर आ जाए, और उसे फिर ऐसे चेक करेंगे और जब चेक करेंगे जब ऊपर आ जाएगा मतलब हमारा बैटर जो है तैयार है। तो अभी इसको छोटे छोटे ऐसे बड़ी शेप में एकदम छोटे छोटे हम बना रहे हैं। कई लोग तो दोस्तों क्या करते हैं, इसे जो पोंगरी बना लेते हैं, कोण बना लेते हैं मतलब, और उसी कोण में डाल के एकदम छोटे छोटे चना के साइज़ का छोटा छोटा बनाते हैं दोस्तों, जिसे कि चनौरी बड़ी भी बोलते हैं। अगर आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं या फिर इस शेप में बना सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। और ये देखिए सूखने के बाद, ये देखिए अब इसे आप कोई भी सब्ज़ी में बना सकते हैं, डाल सकते हैं। बहुत सारी रेसिपी भी मैंने शेयर किया है, नहीं जानते तो रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अगले दो वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।